तो आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है डिजायर ZXi पेट्रोल। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है इस सेगमेंट में कितनी भी गाड़ियां आई हैं इसको कंपटीशन नहीं दे पाई है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंटी लेवल सेडान है ये, और एक टाइम पे इसने राज किया है। अभी धीरे धीरे सेडान्स का मार्केट ख़त्म हो रहा है इंडिया में, क्योंकि लोग SUVs पे जाने लगे, कॉम्पैक्ट SUV और ये सब ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में और बताएंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है और क्या इसकी प्राइसिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे ये हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का मिल जाता है, नीचे आपको फॉग लैम्प, यहाँ पे आपको क्रोम की सराउंडिंग दी है, सेम यहाँ पे ये आपको ग्रिल मिल जाती है, ब्लैक आउट है पर ये क्रोम का सराउंडिंग मिल जाता है चारों तरफ, जो कि देखने पर काफ़ी सही लगता है। तो ये कुछ फ्रंट्स का लुक ये आने वाला है। बोनेट एकदम स्लाइडिंग दिया है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉशर, विंडशील, और साइड की बात करें तो साइड पे आपको ये लुक आने वाला है। 15 इंच के इसमें एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल है 185/65R15 की प्रोफाइल है। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक नॉर्मल मिलने वाले हैं। ये कुछ इसका साइड लुक है। गाड़ी बहुत सही लगती है देखने में डिजाइन वाइज। वैसे यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORBMs मिल जाता है विद टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बॉडी कलर डोर एंट्री मिल जाते हैं, एक की प्लेसिंग दी है यहाँ पे, सपोज आपका ये काम नहीं करता तो ये कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए, अब बैक की बात करें तो बैक में आपको इस तरह का बैक मिलता है कुछ। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाएंगे, एंटीना नॉर्मल दिया है, साकफिन नहीं मिलेगा आपको, एंड हाई स्टॉप लैम्प यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की गई, यहाँ पे नीचे नॉर्मली वहाँ पे होती है ऊपर, बट इसमें यहाँ पे दी है। पीछे डिग्गी पे आपको क्रोम मिल जाएगा, सुजुकी की बैचिंग, डिजायर, इस तरह के आपको टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। और इसमें आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, दो इस साइड पे और दो इस साइड पे, दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं नीचे, एक ये और एक ये। पे कोई भी कैमरा वगैरह नहीं दिया है, आई थिंक ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, उससे नीचे का है, और टॉप एंड मॉडल में आपको कैमरा वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर की ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बूट डिजायर का बूट मिल जाता है, काफ़ी सही है, 350 लीटर का बूट इसका मिल जाता है ऑलमोस्ट। लोडिंग लिफ्ट लगभग नीचे है, इतनी ज़्यादा नीचे है तो उठाने रहने में अगर आप एजेड हो तो आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा खासा लगेज आ सकता है इसमें, कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं दिया है और यहाँ पे कवरिंग भी नहीं किया है, तो ये चीज़ थोड़ी, ये देखिए खुला पड़ा है सब कुछ। और पीछे का बहुत हल्का है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाता है, और 37 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो ये इस तरह से गाड़ी का लुक है बैक साइड से। अब चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है। चलते ही डोर लगता है थोड़ा ठीक ठाक हैवी सा डोर लगता है, इतना नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ क्लोथ की पैडिंग मिल जाएगी हाथ रखने के लिए वगैरह, और ये आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, और ये ORBMs एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको क्रोम में मिल जाता है, और ये आपको एक वाटर होल्डर और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है ये ग्रैब एंडर पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे तीन टाइप का फिनिश दिया है, ब्लैक क्लोथ में, और यहाँ पे थोड़ा ग्लोसी टाइप में गोल्डन फिनिश दिया है। अब चलते हैं अंदर। ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है दोनों टाइप का। ये देखिए यहाँ से हाइट का और ये इसका, यहाँ पे आपको पेट्रोल और डिग्गी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोनेट का ऑप्शन। अब इस गाड़ी में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये हेडलैम्प के स्विचेस मिल जाते हैं, एसी वेंट्स नॉर्मल है, यहीं से आपको कंट्रोलर दिया है एसी के फैंस को,
कम ज़्यादा करने के लिए सेंटर का आपको 1000 लाइट मिल जाएगा। और ये यहाँ भी वुडन फिनिश दी है थोड़ी सी। तो डैशबोर्ड की बात करने को क्लीन और थोड़ा अच्छा सा है, ठीक लगता है क्लियर डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा और ये रहा इसका MID। तो दो एनालॉग है और बीच में छोटी सी MID मिलेगी जहाँ पे आपको सब कुछ ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक्चुअली अभी चाबी नहीं है यहाँ पे, तो अभी हम ऑन करके नहीं बता सकते हैं। तो ये आपको दो लीवर मिल जाते हैं हेडलैम्प के और बाईपास के। और स्टेयरिंग की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेयरिंग रहने वाला है आपका डी कट डिज़ाइन का, जो कि काफ़ी लुक में बहुत सही लगता है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, ये आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब मारुति का ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी सही लगता है। हालांकि ब्रेजा में अभी ये लोग अभी भी ये वाला स्टेयरिंग नहीं दे रहे हैं। इसकी बात करें तो ये ओनली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, इस वेरिएंट में। तो ये कुछ लुक है स्टेयरिंग व्हील का, नॉर्मल डे नाइट के साथ आता है, जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है। ये आपको लाइट मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, इसके नीचे ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन मिल जाएगा। नीचे आपको ऑक्स और USB का ऑप्शन, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए ये दो कप होल्डर मिल जाते हैं। गेयर बॉक्स नॉर्मल दूसरी मारुति की तरह यहाँ पे 5-speed 1-reverse के साथ गेयर बॉक्स आएगा। यहाँ पे सिल्वर का सराउंड दिया जो कि काफ़ी सही लग रहा है। तो ये टोटल पूरा इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है। पीछे AC का वेंट दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी फ़ोन वगैरह रख सकते हो। 12 वोल्ट का चार्जिंग यहाँ पे दिया है और ये इसकी हैंड ब्रेक। तो ये सीन है, तो पूरा डैशबोर्ड का लुक ऐसा आने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नहीं है ओनली टिकट होल्डर मिलेगा। ये ग्रे विंडल मिल जाता है एक यहाँ भी रीडिंग लैंप दी है जो कि काफ़ी सही है। तो अब चलते हैं पीछे और पीछे से देखते हैं डैशबोर्ड कैसा दिखता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी सही लगता है। डुअल टोन में डैशबोर्ड दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेयरिंग व्हील काफ़ी सही लगता है। तो ये कुछ डैशबोर्ड का लुक है। अब बात करते हैं पीछे क्या क्या मिलता है आपको। पीछे आपको वाटर होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, ग्रे हैंडल और ये आपको ओपनर क्रोम में मिल जाता है। इतना कुछ पीछे रहने वाला है। और पीछे आपको AC वेंट मिल जाता है यहाँ पे, यहीं पे कंट्रोलर भी दिया है। और ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है एक, जिसमें कप होल्डर का ऑप्शन नहीं है। और ये आपको स्लाइडिंग मिलेंगे, तो काफ़ी सही है। पीछे सब सीटिंग की बात करें तो सीटिंग काफ़ी कंफर्ट है। हालांकि यहाँ पे ये देखिए थोड़ा और लेंथ होती इसके अंदर था, सपोर्ट थोड़ा और अच्छा होता तो ज़्यादा सही रहता, पर ठीक है। चार स्पीकर मिलते हैं इसमें, दो पीछे और दो आगे। तो ये कुछ सीन है डिजायर ZXi मैनुअल ट्रांसमिशन का। यहाँ पे आपको बम्प काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, नॉर्मल गाड़ियों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बम्प मिलेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो तीसरा थर्ड पर्सन को अगर एडल्ट है तो उसको बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसके इंजन की, तो इंजन आपको मिल जाता है 89 BHP का, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलता है आपको, जो कि बहुत ही सुपर रिफाइंड और अच्छा है। नॉइज़ी बहुत कम है। तो इस तरह से इसका लेआउट है कुछ। इस गाड़ी की बात करें तो इसकी एक शोरूम जो प्राइस है वो 8,35,000 है, और आपके सिटी के अकॉर्डिंग और टैक्सेस वहाँ पे कैसे उसके अकॉर्डिंग ऑन रोड लगभग आपको 9.25 लाख 9.5 लाख तक ये गाड़ी पड़ती है। अब इस रेंज पे गाड़ी लेने के लिए नॉर्मली लोग अब सेडान्स प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस आ गए हैं। तो SUVs पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी लेके वो कहीं भी घूमने वगैरह जाते हैं तो
सेडान्स पे प्रॉब्लम आती ही आती है उसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। और माइलेज की बात करें तो माइलेज इसमें 23 का क्लेम करती है कंपनी, बट आराम से 17, 18, 19, 20 तक आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।